हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग लिए जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जिसमें बोर्ड से आपके प्रश्न 2024 में आ सकते हैं, उसमें मैं टॉपिक टीथ दांत आप लोगों के लिए टॉपिक तैयार करके ले आई हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कई प्रश्न दो दो नंबर में और चार चार नंबर में पूछे गए हैं। पहले हम टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए हैं मैंने सबसे लास्ट में प्रश्नों को रखा है। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद जब उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली उसके आंसर मिल जाएंगे। आइए टॉपिक पर आते हैं। दांत टीथ, ये आपके दांत जो हैं वो आप पाचन तंत्र में जो मुख गुहा आपका पार्ट होगा उसमें ये आप पढ़ोगे। मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। आपकी मुख गुहिका में दोनों तरफ जबड़ों में किनारों में दांतों की दो दो पंक्तियां पाई जाएंगी ऊपर नीचे। मानव में पाए जाने वाले दांतों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ विशेषता से एक प्रश्न आपका पूछा गया है कि विशेषताएं आपकी कौन कौन सी होंगी, तो विशेषता आपका अलग से प्रश्न आया इसलिए मैंने इसमें इम्पोर्टेंट आपका डाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो विशेषताएं होंगी उसमें आपके पहली विशेषता है गर्तदंती, इसको कहेंगे थीकोडोंट, ठीक है। अब गर्तदंती, गर्त का मतलब होता है गड्ढे में या खांचों में, तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो हड्डियों की खांचों में धंसे रहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है ये दांत हड्डियों की खांच में धंसे रहते हैं। तो पहली विशेषता आपकी होगी गर्तदंती या थीकोडोंट। दूसरी विषमदंती, क्योंकि मनुष्य में एक तरीके के दांत नहीं पाए जाते, कई तरीके के दांत पाए जाते हैं, इसलिए उनकी संरचना कैसी होगी, विषमदंती, विषम प्रकार के दांतों का आकार। अब इसको कहेंगे हेट्रोडोंट, इसमें देखिए मानव के जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप दांतों के प्रकार जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से दांत पाए जाते हैं, देखिए आप लोग विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि कृंतक, कृतंक को कहते हैं इंग्लिश में इंसीजर्स। दूसरे प्रकार के दांत है रदनक, जिसको कहते हैं कैनाइंस। तीसरे प्रकार के आपके दांत है जिसको कहते हैं अग्रचवर्णक, इंग्लिश में कहेंगे प्रीमूलर्स। और चौथे प्रकार के जो दांत है उनको कहेंगे चवर्णक मूलर्स। इस तरीके से मनुष्य में जो दांत होंगे वो चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब दांतों के प्रकार में आपको उनकी हेडिंग जो मैंने बताई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में जब टिक लगाने के लिए आएगा तो आपके दांतों के प्रकार को आपको पता होना चाहिए। पहला आपका इंसीजर्स, दूसरा कैनाइंस, तीसरा प्रीमोलर्स और चौथा मोलर्स। इस तरीके से मनुष्य की जो दांतों की संरचना होती है वो चार प्रकार की होती है। आगे देखिए दूसरी विशेषता में ये विषमदंती, ये विषम प्रकार के दांत होंगे, एक तरीके का दांत मनुष्य में नहीं होता है, कई तरीके के होते हैं। अब अगली विशेषता देखिए द्विबारदंती, द्विबारदंती का मतलब है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत सिर्फ दो बार निकलते हैं, द्वि माने दो, बार माने बार, ठीक है, और दंती माने दांत। जीवन काल में पूरे में कितने, दो बार दांत निकलते हैं, इसको कहेंगे डाइफोडोंट। अब अग्रचवर्णक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में दो बार निकलते हैं, ठीक है। जो अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स आपके जो टीथ होंगे उनको छोड़कर, ठीक है, बाकी जो दांत होंगे वो जीवन काल में दो बार निकलते हैं। आपको पता होगा दूध के दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं, इसके बाद पुनः दांत निकलते हैं। तो इस प्रकार से मानव की विशेषता में आपके द्विबारदंती में जीवन में दो बार दांत निकलेंगे। इस तरीके से विशेषताओं में हमने देखा कि जो मनुष्य के दांत होंगे वो गर्तदंती होंगे, जिसको थीकोडोंट कहेंगे, हड्डियों में धंसे हुए रहेंगे, और मनुष्य विषमदंती है क्योंकि कई प्रकार के दांतों की संरचना पाई जाती है जिसमें आपका कैनाइंस, आपका इंसीजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये चार प्रकार के दांत पाए जाएंगे। और तीसरी विशेषता आपकी द्विबारदंती डाइफोडोंट, इसमें अग्रचवर्णक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में दो बार निकलते हैं। ये अलग से प्रश्न आता है, विशेषता बताने, तीन विशेषता मैंने आपकी इस शॉर्ट क्वेश्चन में चार नंबर में डाली हुई है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए मनुष्य में निम्नलिखित चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसा कि हम पीछे विषमदंती में चर्चा कर चुके हैं। पहला दांत आपका है कृंतक, जिसको कहेंगे इंसीजर्स। ये आगे की ओर लगे चपटे धारदार दांत होते हैं। जो आगे की आपकी संरचना दिखाई देती है दांतों के, वो आगे जो दांत लगे होते हैं उनको हम इंसीजर्स के नाम से जानते हैं। और कैसे होते हैं, चपटे होते हैं और धारदार होते हैं, किसी चीज को काटने और कुतरने के वो काम आते हैं। अब देखिए कृंतक दांतों का आकार पूछा जाता है, तो मैंने छोटी सी यहाँ हेडिंग डाल के लिखा आपको, ये जो कृंतक दांत होंगे इंसीजर, इनका वर्ग क्या है, जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्क हो गया, वर्क आप ऐसे अंडरलाइन करके इसको लिख सकते हैं। चार ऊपरी जबड़े में तथा चार निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं, तो इनकी संख्या चार ऊपर रहेगी और चार नीचे रहेगी। आधे दांतों की संख्या को हम आपके जो दंत सूत होता है उसमें नोट करते हैं, फिर उसमें डबल करके उसका मल्टीप्लाई करके
आपका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये संख्या आपको याद रखनी है। देखो मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है, चार ऊपरी जबड़ी में रहेंगे और चार निचले जबड़े में रहेंगे। तो संख्या आप याद रखो कि अगर संख्या आपको याद होगी तभी आप दंतसूत्र का फॉर्मूला लगा के जो व्यस्त मनुष्य के दांत होते हैं उनकी संख्या आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन दी है और आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है। चार ऊपरी जबड़े में, चार निचले जबड़े, ये सही आंसर हो गया। फिर लिख देगा तीन ऊपरी जबड़े में, तीन निचले जबड़े में, दो ऊपरी जबड़े में, दो नीचे जबड़े, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए जो कृंतक दांत होंगे वे चार ऊपरी जबड़े में, चार निचले जबड़े में ये व्यवस्थित रहते हैं। आगे देखिए दूसरा, जिसमें आपका है रदनक। रदनक को कहेंगे कैनाइंस। कैनाइंस ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। अब चार जो आगे दांत लगे उनके जो पीछे के दांत हैं उनको हम कहेंगे रदनक या कैनाइंस। ये कृंतक से सटे हुए, जो पीछे मैंने बताया आपको इंसीजर्स, उनके जस्ट बगल में ये लगे हुए नुकीले धारदार दांत होते हैं। कार्य देखिए इनका क्या है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जो आपके रदनक दांत होंगे, देखो मैंने अंडरलाइन दी यहाँ पे, तो आपको भी अंडरलाइन याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ऊपरी और निचले जबड़े में दो दो रदनक होते हैं, दो ऊपर रहेंगे दो नीचे रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये संख्या भी याद रखनी है कि ऊपरी और निचले जबड़े में दो दो रदनक होते हैं। आगे देखिए अग्रचर्मण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोलर्स, इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में चार चार होती है, चार ऊपर रहेंगे और चार नीचे रहेंगे। इनका वर्क देख लीजिए, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जब भोजन को आप चीर फाड़ देते हैं तो उसको महीन करना होता है, ठीक है, लुगदी टाइप बनाना होता है। तो ये जो आपके प्रीमोलर्स दांत होंगे ये भोजन को पीसने का कार्य करेंगे। अगला देखिए चवर्णक, जिसको कहेंगे मोलर्स, ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में छह छह होते हैं, छह ऊपर रहेंगे और छह नीचे रहेंगे। तो आपको संख्या याद करनी है, देखो मैंने अंडरलाइन दी हुई यहाँ पे, तो आपको संख्या पता होनी चाहिए। इनका शिखर चौड़ा तथा उभारयुक्त होता है। आपको पता है जो दांत आपके पीछे के हिस्से में है जिनको हम डाढ़ कहते हैं, ठीक है, वो चवर्णक दांत होते हैं जो पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका उभार भी, आगे जो दांत रहते हैं उनका थोड़ा जो चौड़े कम होते हैं, जो पीछे के जो दांत होते हैं वो चौड़े अधिक होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इनका शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है। और आपको संख्या याद रखनी है क्योंकि चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है, छह छह, छह ऊपर छह नीचे। अब कार्य देख लीजिए, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, जैसा कि अगर चवर्णक प्रीमोलर भी ये पीसने का काम करते हैं और आपके चवर्णक भी पीसने का कार्य करते हैं। तो दो तो ये पॉइंट आपके जैसे हुए तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए दंत सूत्र इम्पोर्टेंट है, जहां पे मैंने इम्पोर्टेंट ये आपका डाला हुआ है, यहाँ अलग से प्रश्न आपका पूछा गया है। अब दंत सूत्र में डेंटल फॉर्मूला इसको कहते हैं, मनुष्य के चारों प्रकार के दांतों की संख्या को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र के माध्यम से ही व्यस्त मनुष्य में जितने दांतों की संख्या होती है उसको हम निकाल सकते हैं। दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। अब पूरा जो दोनों साइड का जबड़ा होगा उतने दांतों की संख्या नहीं ली जाती है, केवल एक जबड़े के आधे भाग के जो दांत होते हैं, ठीक है, उनको प्रदर्शित करके लिखा जाता है। फिर उसमें डबल करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टू का, तो इजीली उनकी संख्या निकल आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दंत सूत्र किसे कहेंगे, दांतों की जो संख्या होगी उनको एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। और दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को लिया जाता है। आगे देखिए दंत सूत्र, इसको मैं ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, दंत सूत्र आपको याद रखना है। दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला आई सी पी एम अपॉन आई सी पी एम ए इंटू टू, इस तरीके से दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है। आई का मतलब जहां पे होगा आपका कृंतक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंसीजर्स। तो इंसीजर में आई पहला वर्ड है, तो ये मैंने आई यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा आपका है सी, जिसको कहेंगे रदनक, रदनक की इंग्लिश होती है कैनाइंस, तो देखिए कैनाइंस ये लिख दिया। पीएम, पीएम का मतलब है अग्रचर्मणक, जिसको कहेंगे प्रीमोलर्स, तो देखो ये तीसरा वाला पीएम करके लिख दिया। अगला आपका चौथा है एम, जिसको कहेंगे चवर्णक, इंग्लिश में कहते हैं मोलर्स, तो मोलर्स को एम ये लिख दिया। अभी ये आधे जबड़े की ऊपर संख्या होगी और आधे दांतों की संख्या एक जबड़े की ये होगी, और इनटू लगा के टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। ये आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये किस तरीके से व्यवस्थित हुए मैंने बताने के लिए ये आपका तैयार किया हुआ है। अब आगे देखिए व्यस्त मनुष्य का दंत सूत्र, दांतों की कुल संख्या दंत सूत्र में दांत गुणित टू, देखो ये यहाँ पे है लिखा है, दांतों की जो दंत सूत्र में दांत होंगे वो दांतों की संख्या लिख लेंगे और जो मल्टीप्लाई है आपका टू कर देंगे। क्यों टू क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ दांत है ना, एक साइड के जबड़े में भी उस साइड के जबड़े में भी, तो दोनों का निकालने के लिए हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए
अब ये सूत्र रख देंगे जो ऊपर हमने देखा, ICPM अपॉन ICPM इंटू टू। आप जो आपने इंसीजर दांतों की संख्या बढ़ी थी वो आपकी टू थी, ठीक है, टू ऊपर टू नीचे। कैनाइंस दांतों की संख्या बढ़ी थी आपकी, ठीक है, आपका एक ऊपर एक नीचे। पीएम प्लीमोलर दांतों की संख्या बढ़ी थी, दो ऊपर दो नीचे, एक जबड़े की निकाल रहे हैं आप लोग। एम मोलर्स की संख्या तीन ऊपर तीन नीचे, ठीक है, छह छह थी तो एक जबड़े का निकाल के जस्ट डबल कर देंगे तो संख्या आपकी आ जाएगी। अब इनकी काउंटिंग कीजिए, तीन दो पांच एक छह सात आठ, तो हमने आठ यहां लिख लिए। नीचे काउंटिंग कीजिए, तीन दो पांच छह सात आठ, आठ यहां लिख लिए। अब इन टू का निशान लगा के टू का मल्टीप्लाई करें, टू का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे कितना आएगा, सोलह। अब टू का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे कितना आएगा, सोलह, ठीक है। इस तरीके से सोलह सोलह कितने टोटल, बत्तीस दांत हो गए, ठीक है। तो व्यस्क मनुष्य के दांतों का अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो आप कितने निशान लगाओगे, बत्तीस में, ठीक है। तो व्यस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, बत्तीस होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, व्यस्क मनुष्य में दांतों की संख्या बत्तीस, और जो डेंटल फॉर्मूला है उसको रख के दांत चार प्रकार के होते हैं उनका ऊपर नीचे लिख के और टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, दांतों की संख्या इजीली निकल आएगी। अब शिशु का दंत सूत्र भी देख लीजिए किस तरीके से, क्योंकि शिशु के दंत सूत्र भी पूछे जाते हैं कि एक शिशु या बच्चे में दंत सूत्र या संख्या कितनी होती है, तो आपको 20 निशान लगाना होता है। 20 कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। दांतों की कुल संख्या आपका बराबर दंत सूत्र में दांत आपका मल्टीप्लाई टू, ये पहले भी बता चुके हैं, दंत सूत्र की संख्या लिख लेंगे और दांतों की संख्या लिख लेंगे और टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर वही सूत्र लगा देंगे, ICPMM अपॉन ICPMM इंटू टू। आप जो बच्चों की संख्या होगी उसमें जो अग्रचवाणक दांत होते हैं ये वाले प्रीमोलर्स ये एब्सेंट होते हैं, तो उनके स्थान पे हमने जीरो जीरो रख दिया। बाकी आपके जो इंसीजर्स दांत होंगे वो दो ऊपर दो नीचे रहेंगे, कैनाइंस होंगे एक ऊपर एक नीचे रहेगा, प्रीमोलर्स एब्सेंट होंगे तो उसको जीरो से प्रदर्शित कर देंगे, मोलर जो दांत होंगे वो टू ऊपर टू नीचे रहेंगे, और इंटू करके टू का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंटिंग कीजिए, दो एक तीन एक पांच, पांच यहां लिख लिए, फिर इसका काउंटिंग कीजिए, दो एक तीन दो पांच, ये लिख लिया। अब दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का इसमें करेंगे दो का इसमें करेंगे, दस ये आएगा दस ये आएगा, दस दस कितना हो जाएगा, बीस। तो जो आपका छोटा बेबी होगा उसमें जो दांतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, उसकी बीस होगी, और जो व्यस्क मनुष्य होगा उसमें दांतों की संख्या आपकी बत्तीस होगी। इस तरीके से हमें दोनों का पता होना चाहिए कि दांतों की संख्या किसमें कितनी होगी। किस तरीके से हमने निकाला, डेंटल फॉर्मूले के अनुसार वो आप इजीली निकाल सकते हो, दांतों का अगर आपको पता है कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वो टू का मल्टीप्लाई हमें करना होता है। अब नोट में देख लीजिए, मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं जैसे कि ये आया हुआ है। इसके बाद इनमें मुख्यतः अग्रचवाणक दांत नहीं पाए जाते हैं। अब प्रश्न आपसे ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि जो शिशु होते हैं उनमें कौन से दांत एब्सेंट होते हैं। चार ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें कह देंगे इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, तो आप किसमें निशान लगाएंगे, अग्रचवाणक या पीएम जो दांत होते हैं प्रीमोलर्स, वो बच्चों में एब्सेंट रहते हैं। वो संख्या आपको पता होनी चाहिए, 20 होती है बच्चों में, और जो व्यस्क मनुष्य होंगे उनमें टोटल दांतों की संख्या होगी आपकी 32। आई होप मैंने आज आपको डेंटल फॉर्मूला के हिसाब से दांतों की संख्या निकालने जो समझाया है आपको इजीली समझ में आया होगा। ये आपका जो मैंने बनाया था, ये आपका टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। अब शिशु का दंत सूत्र भी देख लीजिए किस तरीके से, क्योंकि शिशु के दंत सूत्र भी पूछे जाते हैं कि एक शिशु या बच्चे में दंत सूत्र या संख्या कितनी होती है, तो आपको 20 निशान लगाना होता है। 20 कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। दांतों की कुल संख्या आपका बराबर दंत सूत्र में दांत आपका मल्टीप्लाई टू, ये पहले भी बता चुके हैं, दंत सूत्र की संख्या लिख लेंगे और दांतों की संख्या लिख लेंगे और टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर वही सूत्र लगा देंगे, ICPMM अपॉन ICPMM इंटू टू। आप जो बच्चों की संख्या होगी उसमें जो अग्रचवाणक दांत होते हैं ये वाले प्रीमोलर्स ये एब्सेंट होते हैं, तो उनके स्थान पे हमने जीरो जीरो रख दिया। बाकी आपके जो इंसीजर्स दांत होंगे वो दो ऊपर दो नीचे रहेंगे, कैनाइंस होंगे एक ऊपर एक नीचे रहेगा, प्रीमोलर्स एब्सेंट होंगे तो उसको जीरो से प्रदर्शित कर देंगे, मोलर जो दांत होंगे वो टू ऊपर टू नीचे रहेंगे, और इंटू करके टू का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंटिंग कीजिए, दो एक तीन एक पांच, पांच यहां लिख लिए, फिर इसका काउंटिंग कीजिए, दो एक तीन दो पांच, ये लिख लिया। अब दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का इसमें करेंगे दो का इसमें करेंगे, दस ये आएगा दस ये आएगा, दस दस कितना हो जाएगा, बीस। तो जो आपका छोटा बेबी होगा उसमें जो दांतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, उसकी बीस होगी, और जो व्यस्क मनुष्य होगा उसमें दांतों की संख्या आपकी बत्तीस होगी। इस तरीके से हमें दोनों का पता होना चाहिए कि दांतों की संख्या किसमें कितनी होगी। किस तरीके से हमने निकाला,
डेंटल फॉर्मूले के आंसर वो आप इजीली निकाल सकते हो, दांतों का अगर आपको पता है कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वो टू का मल्टीप्लाई हमें करना होता है। अब नोट में देख लीजिए मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं जैसे कि ये आया हुआ है। इसके बाद इनमें मुख्यतः अकचवाणक दांत नहीं पाए जाते हैं। अब प्रश्न आपसे ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि जो शिशु होते हैं उनमें कौन से दांत एब्सेंट होते हैं। चार ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें कह देंगे इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो आप किसमें निशान लगाएंगे? अग्रचवर्ण या पीएम जो दांत होते हैं प्रीमोलर्स, वो बच्चों में एब्सेंट रहते हैं। वो संख्या आपको पता होनी चाहिए, 20 होती है बच्चों में, और जो व्यस्त मनुष्य होंगे उनमें टोटल दांतों की संख्या होगी आपकी 32। आई होप मैंने आज आपको डेंटल फॉर्मूला के हिसाब से दांतों की संख्या निकालने जो समझाया है आपको इजीली समझ में आया होगा। ये आपका जो मैंने बनाया था ये आपका टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। बोर्ड में पूछे गए प्रश्न जो अभी तक आए हैं इस टॉपिक से वो देख लीजिए। व्यस्त मनुष्य में दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए, नंबर 2 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका। तो व्यस्त मनुष्य का सूत्र मैंने पीछे ही आपको अभी समझाया है, ठीक है, इजीली आप उस सूत्र को देख के तैयार कर सकते हैं 2 नंबर में। और जो मैंने 4 दांत हैं उनके उसमें पहचान भी लिखी हुई है कि इंसीजर्स को क्या कहेंगे, ठीक है, और आपका प्रीमोलर्स को क्या कहेंगे, मोलर्स को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये आप देख के उसमें लिख सकते हैं और 2 नंबर में इस तरीके से आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, तो वो आप 4 प्रकार के दांतों का नाम लिख देंगे, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने एक एक कार दोनों का चारों का लिखवाया हुआ है और कार में मैंने थोड़ी सी अंडरलाइन भी दी। अभी इजीली आप नोट से उन कार्यों को यहाँ पे लिख सकते हैं। 2016 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, 2 नंबर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक दांतों की संख्या बताइए। तो आगे वाले जो दांतों की संख्या होती है वो भी मैंने अग्रचवर्णक में आपको बताई हुई है कितनी आपकी संख्या होती है, वो आप नोट्स से देख के अपने आंसर में राइटिंग में लिख सकते हैं। 2012 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला, मनुष्य के दांतों की विशेषताएं लिखिए। तो मैंने आपको 3 विशेषताएं आगे बताई हुई थी नोट्स में, उन विशेषताओं को देख के आप विशेषताएं आपकी 10 में और 8 में ही आपकी 4 नंबर में पूछी गई थी, ठीक है। तो 4 नंबर में मनुष्य के दांतों की विशेषता, जितना टॉपिक मैंने तैयार किया है उसमें आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए इससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों का टॉपिक पहले आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर राइटिंग करेंगे। 2 नंबर मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि 2 नंबर में आपको 4-5 लाइन लिखनी होती है, और जो 4 नंबर का प्रश्न होता है उसमें आपको आधा पेज लिखना होता है। जो यूपी बोर्ड के 10th के विद्यार्थी हैं जिन्हें बायोलॉजी में 25 नंबर का पेपर सॉल्व करना है उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्नों का आप नोट डाउन करने के बाद जो टॉपिक पढ़ा है उसको लिखने के बाद प्रश्नों का आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से प्रश्न आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आई होप मैंने आज समझाने की जो कोशिश की है आपको टॉपिक वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।